खबर भारतवर्ष में आपका स्वागत है और आज हम भारत में पेश हुए बजट पर चर्चा करेंगे और जिसमें हम ये जानेंगे कि किन लोगों को इसमें फायदा हुआ है, किन लोगों के पैसे बच पाए हैं और किन लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, किसके पक्ष में ये बजट है और किसके पक्ष में ये बजट नहीं है, क्या इनकम टैक्स का निकल के आया है, क्या रोजगार के लिए निकल के आया है, तो क्या क्या विषय है हम इन पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित है, सीए मुकेश कुमार जी राजपूत, लेखक एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे। तो मेरा नाम रूपेश कुमार है और अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो मुकेश जी, पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो आज कल बजट पेश हुआ है, इसमें इसे किस नजरिए से देखा जा सकता है, ये किसके लिए है? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज आपके इस चैनल के माध्यम से बजट 2022 का एनालिसिस समझ पाएंगे। देखिए, ये बजट जो है 2022 जो बजट है, अभी तक का सबसे अलग बजट है। अलग इसलिए है कि इस बजट में सब कुछ संतुलित रखा गया है, मतलब किसी सारे वर्ग को थोड़ा थोड़ा उन्होंने टच किया है। बेसिकली ये बजट जो है ना, चार पिलर पर आधारित है। पहला पिलर तो ये है कि उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरा क्लाइमेट्स पर ध्यान देना है, और तीसरा जो होता है प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, उस पर ध्यान देना है, और चौथा जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। बेसिकली इस इन्वेस्ट ये जो बजट 2022 है, ये कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए इसलिए अच्छा कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्या करा, जो पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस को उन्होंने कोर बैंकिंग के साथ जोड़ दिया है। कई बार हम देख रहे थे गाँव में बैंक ना होने के कारण हमारे किसान भाई लोग बहुत परेशान रहते थे कि अपना पैसा कहाँ जमा करें या सुविधाएं कहाँ लें। तो हालांकि पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग की सुविधाएं तो पहले से ही थी, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करना, पैसे निकालना, इस तरह की सुविधा तो पहले थी, लेकिन चेकबुक की सुविधाएं, ATM की सुविधाएं, RTA सुविधाएं, NFT की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस में ना होने के कारण हमारे किसान भाई लोग बहुत परेशान रहते थे। तो अब क्या है, ये सुविधा आने से क्या है, पोस्ट ऑफिस को जब बैंक कोर बैंक के साथ उन्होंने जोड़ने की जो योजना बनाई है बजट में जो लेकर आए, उससे हमारे किसान भाइयों को वो सारी डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी जो वो चाहते हैं और उन्हें यहाँ वहां नहीं भटकना पड़ेगा। तो सबसे पहला फायदा तो ये एक प्रकार से किसानों को, मैं कहता हूँ ग्रामीण को फायदा मिला है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो सर मेरे को बजट में समझ में आया, वो ये आया है कि इंफ्रा पर बहुत फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी 7.5 लाख करोड़ का जो उन्होंने इंफ्रा पर बजट बनाया, बाकी में काबिले तारीफ है। हालांकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तो पहले से ही लागू थी, जिसमें कि गांवों को शहरों से रोडों के माध्यम से जोड़ना, ताकि रिटेल व्यापार हमारा आगे बढ़ सके और किसान भाई जो लोग हैं अपने सामानों को बेचकर शहर में ला सके, मतलब शहर में आसानी से आ सके, तो इस पर काफी उन्होंने ध्यान रखा है। और कर्मचारियों के लिए इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं था, जबकि मैंने अनुमान लगाया था सर कि ये बजट आने से पहले आपने ध्यान दिया होगा कोरोना काल के दौरान काफी कर्मचारी जो हैं वो घर पर बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हो रहा था, बिजली का बिल बढ़ गया, खर्चे, कई खर्चे जो अपने आप में बढ़ गए थे। तो मैंने अंदाजा लगाया था कि शायद इस बार उन कर्मचारियों के लिए वो कोई अलाउंस लेकर आएंगे जिससे उन्हें डिडक्शन मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ, गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए उन्होंने NPS वो बढ़ाकर 14% लेकर गए हैं, जो कि पहले 10% का डिडक्शन मिलता था। इस तरह थोड़ा सा कर्मचारियों को बेनिफिट मिला है, बाकी इनकम टैक्स में ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया है, क्योंकि सरकार का मानना है बदलाव ना करना ही अपने आप में टैक्स बचत है आपके लिए। जी हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई कोई बदलाव नहीं किया है, तो ये भी एक तरीके से, जैसे कि सीतारमण जी बोल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमने नहीं किया है, ये भी एक तरीके से बजट माना जाए कि हमने आपके लिए किया है। कभी कभी सहायता ना करना भी सहायता माना जाता है सर। हाँ जी, तो जैसे कि इस विषय पर और भी चर्चा निकली, लोगों ने कहा कि जो रोजगार है उन पर इस पर स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं हुई है, और जो बैंकिंग की जो बात कर रहे बता रहे थे आप, ये 2014 में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि हम काम करेंगे, या प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए जो कि 6 करोड़ का एक लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे आपने बात की है, सड़क का निर्माण होना, तो कितनी सड़क का निर्माण होना और इससे क्या रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे, ये इस विषय पर। देखिए सर, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी बजट बनता है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब भी कोई खर्चा होता है, तो निसंदेह उसमें रोजगार
कई बनते हैं। सबसे पहले रोजगार तो जो मध्यम वर्गीय लेबर क्लास जो होती है उसको वहां पर एक रोजगार मिलता है, वर्क मिलता है। और दूसरा क्या होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है तो नए नए उद्योग वहां पर स्थापित होते हैं, क्योंकि हर उद्योग स्थापित करने के लिए उसको प्रॉपर बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, परिवहन का साधन चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तो रोजगार स्थापित नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस कर कर रोजगार अपने आप में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 60 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य उन्होंने इस बार रखा है, लेकिन वो रोजगार वो किस तरह देंगे इस पर अभी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनी है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार अपने आप में बढ़ेंगे, ऐसा मानना है सर। अच्छा, जैसे रोजगार का एक चर्च विषय निकला है, तो इसमें एक विषय यह भी है कि मनरेगा का कुछ बजट घटा है, और जी मनरेगा जो कि देखा जाए तो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो मतलब गांव में सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है, 70%, जो जी कि अगर देखा जाए तो मनरेगा जो योजना है उसके माध्यम से हितग्राही मूलक हो या सामुदायिक मूलक हो, इनके माध्यम से कई रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो इस जी पर बजट कुछ कम है इस बार। देखिए सर, इस पे देखिए जो मनरेगा का बजट जरूर कम किया है, लेकिन शायद आपको याद होगा प्रधानमंत्री ई श्रम योजना एक लागू की गई थी, जिस उस योजना को इसलिए लागू किया गया था कि जो अनस्ट्रक्चर रोजगार में है, जो कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो अपना ई श्रम पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां जाने के बाद उस जिस एरिया के वो कर्मचारी है, श्रमिक है, वहां पर मनरेगा के माध्यम से किसी और माध्यम से वहां पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। सरकार की ये योजना चल रही है, मनरेगा में जरूर उन्होंने अपना बजट कम किया है, लेकिन उन्होंने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से नए रोजगार देने का उन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है सर। अगर आप ध्यान से गाइडलाइन को अपन पढ़ेंगे तो मैंने ध्यान से देखा, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से वो करीब ऐसा लग एक रहा है करोड़ कि 1 करोड़ के आसपास नौकरियां निकालने की संभावना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र में कई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कि जिनके पास रोजगार नहीं है और वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो ई श्रम पोर्टल के माध्यम से सरकार उनको उसी क्षेत्र पे उसी जगह पर रोजगार देने का वो लक्ष्य निर्धारित कर रही है सर। ये जी आपने अच्छा अच्छा विषय निकाला है। अब चर्चा अगर व्यक्तिगत की मतलब बजट पे की जाए, तो भारत सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार मतलब राशन उपलब्ध करा रहे हैं। समझ रहा हूँ कि हम जी 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो जी इससे ये सब लोग गरीब हैं, तो इनके लिए जैसे कि आपने बताया कि 60 लाख नौकरियों के रोजगार की बात कर रहे हैं वो, तो ये गरीब लोग हैं। अब इनके लिए बजट में ऐसा क्या है कि मार्केट से उनको कुछ जो उनकी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो उनको सस्ती मिले, क्या इनमें कुछ छूट मिल पाई है? देखिए, इस बजट में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि किसकी मध्यम वर्गीय को या गरीब वर्ग को क्या दिया जाएगा, लेकिन कोरोना काल के दौरान उन्होंने, आपने ध्यान दिया होगा कि जो खाते खोले गए थे जीरो वाले, बीच में वो उसमें 5,000 रुपये कुछ सबको ट्रांसफर किए गए हैं, अभी तक राशन भी उनको दिया जा रहा है। लेकिन विशेष तौर से सरकार रोजगार इनको उपलब्ध कराने की कोशिश में लगी हुई है। जहां तक कि मैंने ई श्रम पोर्टल को बड़े ध्यान से देखा, उसके बारे में पढ़ा, तो मैंने ये महसूस किया है कि वो इस बजट में गरीबों के साथ साथ प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा ना सर, क्योंकि क्लाइमेट पर भी ध्यान देना है। आप अगर ध्यान देंगे क्लाइमेट हमारा जिस तरह खराब हो रहा है, तो क्लाइमेट को चेंज करने के लिए आप एनर्जी पर फोकस किया है। आप ध्यान देंगे कि 2025 के आसपास से करीब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही प्रोडक्शन में आएंगी, तो कहीं ना कहीं ई एनर्जी से भी आपको रोजगार बढ़ने की संभावना है। क्योंकि 17 सेक्टर का जिक्र सरकार ने किया, उसमें एक सेक्टर ये भी है कि क्लाइमेट अगर वो पर ध्यान देंगे तो वहां से भी रोजगार को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम बचपन से जब मैं सीए कर रहा था या मैं जब से मैं पढ़ाई कर रहा था सर, तभी से मैं रोजगार के बारे में सुनता आया, रोजगार की कमी, रोजगार की कमी। लेकिन जहां तक मैं पर्सनली जानता हूँ कि भारत में उतनी रोजगार की कमी नहीं है, बस काम करने वाले इंसान की कमी है। हमें चाहिए कि रोजगार हम खुद क्रिएट करें। जैसे कि आज की तारीख में अगर आप चाहें कि आपको अच्छा प्लम्बर मिल जाए, आपको अच्छा इलेक्ट्रिशियन मिल जाए, तो मिलते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप खुद रोजगार बनाएं, खुद रोजगार क्रिएट करें सर। और सबसे बड़ा जो सरकार ने एक फैसला लिया है बिटकॉइन के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूँ कि
कहीं ना कहीं सरकार ने बिटकॉइन को भी या वर्चुअल करेंसी कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी कह लीजिए, उसकी उपस्थिति को भी उन्होंने माना है और उस पर जो 30% का उन्होंने टैक्स लेवी किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास एक्स्ट्रा फंड आएगा और इस एक्स्ट्रा फंड से वो कहीं ना कहीं इसको इंफ्रा में या रोजगार में खर्च करेगी, ऐसी मेरे को उम्मीद है सर। हाँ, जैसे आपने कहा, तो अब इस विषय पे जैसा आप बोल रहे हैं कि सरकार की आय भी अगर बढ़ती है उससे उनको, सरकार को जब फायदा होगा तो रोजगार उपलब्ध होंगे ही और चीजें सस्ती होंगी। परंतु अगर देखा जाए तो जब से पेट्रोल के दाम बढ़े, सरकार ने बहुत बड़े, जब लगभग 117-18 तक पहुंच गया था पेट्रोल, जब कितनी बड़ी मात्रा में लगभग 4,00,000 करोड़ से लगभग उनकी कमाई हुई केंद्र सरकार की। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो टैक्स से भी बहुत ज्यादा पैसा आया सरकार के पास। इसके बाद भी इस बजट में अगर गरीब तबके की बात की जाए, जिसकी अगर मैं बात करूंगा तो वो 20% लोग जो अत्यंत गरीबी रेखा में आते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा क्या है इस बजट में कि उनको भी कुछ राहत मिले? क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनके कोरोना काल में मुखिया की मृत्यु हो गई है। अब जब मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में वह व्यक्ति बहुत ही दयनीय परिस्थिति से गुजर रहा होता है, उसे हेल्प की आवश्यकता होती है। तो इस बजट में ऐसा क्या है कि वो परिवार भी वापस पटरी पर आ जाए, ऐसा क्या है? देखिए, इस बजट में ऐसा कहा गया कि पर्टिकुलर महामारी से अगर किसी की मृत्यु होती है तो सरकार उसको पैसा दे रही है, 5 लाख का या 2.5 लाख, जो भी उन्होंने मुख्यमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको पैसा दिया जा रहा है। इसको इनकम टैक्स से भी 10 लाख तक का डिडक्शन दिया गया है अगर इस तरह का कोई पैसा आता है। देखिए, पर्टिकुलर इस बजट में ऐसा ध्यान नहीं रखा गया है कि कोई परिवार अगर एक्सपायर हो जाता है तो क्या करना है उसके लिए, लेकिन इस बजट में ये जरूर बताया गया है कि कोई विकलांग है, यदि मान लीजिए विकलांगता के कारण उसके पास पैसे नहीं है, जो इस पर वो आश्रित है, जो उसका गार्जियन है या जो उसका पेरेंट्स है, उनको लाइफ टाइम तक जब तक वो जीवन रहेगा उस विकलांग का, वहां तक उसको पेंशन दी जाएगी। इस बजट में देखिए, मैं आपको संक्षेप बताना चाहता हूँ, ये बजट बहुत संतुलित बजट है और बहुत पारदर्शी और दूरगामी का है। मतलब इस बजट के लिए ये नहीं कह सकते हम एक साल में इसके परिणाम मिलेंगे, ये बजट बहुत लंबे समय के लिए सर, करीब मान चलिए 5-6 साल इस बजट के बारे में कुछ देखने को मिलेगा। बाकी इस बजट में ऐसा कुछ खास चेंजेस के बारे में नहीं कह सकते, इसलिए आपने देखा होगा 11 बजे बजट शुरू हुआ था और बहुत जल्दी खत्म हो गया था, लगभग 92 मिनट में खत्म हो गया। यस, जबकि इससे पहले के बजट हमने देखे थे वो करीब 2 घंटे 60 मिनट 70 मिनट के आसपास चलते थे, क्योंकि उस बजट में बहुत सारी चीजों को लेकर आते थे कि ये चीजें सस्ती होंगी, ये चीजें महंगी होंगी, गरीबों के लिए ये योजना लेके आएंगे, मनरेगा में ये होगा, हम ग्रामीण क्षेत्र में ये करेंगे। इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, सिर्फ 4 पिलर पर वो लेकर आए कि हम क्लाइमेट पर ध्यान देंगे, हम प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे और हम निवेश पर ध्यान देंगे और प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना पर ध्यान देंगे। अब वो गतिशक्ति योजना क्या है उसके बारे में बहुत जल्दी गाइडलाइन आएगी, इस बारे में हम डिस्कस आपसे करेंगे सर। ये अमृत काल के विषय में वित्त मंत्री जी ने एक विषय कहा कि अमृत काल चल रहा है और बात कही गई कि हम 25 साल, अच्छा इस बजट में कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि हम इस बजट को 25 साल के लिए देख सकते हैं कि आज जो बात हो रही है वो 25 साल बाद पूरी होंगी, या अमृत काल की बात कर रहे हैं। तो अमृत काल में कुछ जब हम देख रहे थे, मीडिया पर देख रहे थे, कुछ लोगों की बातें सुन रहे थे, तो उन्होंने बात कही कि अमृत काल वो काल होता है जहां हर व्यक्ति सुखी हो, जिसको किसी प्रकार की हर सुविधा उसको मिल जाए, वो गरीबी से, गरीबी उन्मूलन पे बात हो, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए, उसके बाद रोजगार की चीजें बढ़े, नल जल की अगर पानी की बात कर रहे हैं, रोजगार की अगर बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, निर्माण की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर उपलब्ध हैं तब उसे हम अमृत काल कहेंगे। तो ये चीजें इसमें देखने को नहीं मिली है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे, क्या है अमृत काल? देखिए, अमृत काल वो होता है जहां पर कि हर व्यक्ति सुखी होता है और किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि पिछले 2 सालों से हम लोग जिस माहौल में चल रहे हैं तो कोई तो सुखी तो नहीं है। और चूंकि देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, माननीय ने कहा था कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया या हमने कोई सहायता नहीं की, ये भी मान के चलिए बहुत बड़ी राहत है। तो इसमें ऐसा कुछ खास अपन कह नहीं सकते सर इस बजट में। तो आपके हिसाब से ये बजट क्या है? ये बजट का जो परिणाम है ना सर, वो परिणाम अभी नहीं मिलने वाला है। इस बजट का परिणाम मैंने आपसे कहा कि लंबे समय बाद इसका परिणाम देखेगा। और चूंकि
पेट्रोल डीजल की जहां तक रेट आपने डिस्कशन किया था कि रेट बढ़े हुए थे, तो सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम लिया था कि ड्यूटी को कम किया था सडनली। मैं चाहता हूं आने वाले समय में पेट्रोल डीजल जिस तरह क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, तो निस्संदेह हो सकता है चुनाव के बाद रेट वापस बढ़े। तो मैं चाहता हूँ सरकार, आपके चैनल के माध्यम सरकार को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कैसे भी करके, जैसे उन्होंने एक सराहनीय कदम लिया था ड्यूटी कम करके रेट कंट्रोल किया, तो आने वाले समय में वो ऐसे ही सराहनीय कदम लेंगे और पेट्रोल डीजल के रेटों को वो आगे नहीं बढ़ने दें, जिससे कि हमारी महंगाई दर ना बढ़ पाए। ये बड़ा विषय है, क्योंकि जी आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जो सब्जी खेत में किसान उगाता है उसे जब वो मार्केट ले जा रहा होता है, अगर कोई भी बड़े मार्केट जैसे वो भोपाल या जबलपुर या इंदौर या किसी भी बड़े मार्केट में ले जाना चाहता है जहाँ बड़ी सब्जी मंडी है, तो उसका लागत मूल्य मतलब वहां तक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ती है तो सब्जी की है जो भी उसका जो उत्पादक उत्पादन है उसकी कीमत बढ़ती है, तो स्वाभाविक बात है कि महंगाई बढ़ेगी। देखिए सर, फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्राइस को, कॉस्ट को निर्धारित करने के लिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो सीधा का सीधा उसका असर प्रोडक्ट पर आता है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी के माध्यम से ड्यूटी कम करके, टैक्सेस को कम करके फ्यूल का रेट को एक नीचे स्तर पर रखती है, तो कहीं ना कहीं महंगाई को रेट कंट्रोल कर पाएगी। अगर गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल नहीं किया तो महंगाई ऊपर चली जाएगी, और जैसे कि वेनेजुएलिया में या और अन्य कंट्री में मुद्रा की वैल्यू गिर गई है, वैसे ही हमारे भारत में गिर सकती है। हम बार बार किसी न किसी माध्यम से सरकार को संदेश देते रहते हैं कि आप फ्यूल पर कंट्रोल करें, क्योंकि फ्यूल एक ऐसा चीज है जो सारी प्राइस को नियंत्रण कर सकता है सर। नियंत्रण कर जी सकता है, ये बिल्कुल सही जी है। तो एक आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिससे कि आपने स्पष्ट कहा कि इस बजट में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं की गई हैं, जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते कि किस क्षेत्र में सरकार क्या प्लान कर रही है और कितना बड़ा हमें प्लान कर रही है। हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार ने पिछले बजट में 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी। जहां तक मैंने पिछला बजट भी सुना था या और भी पेपर के माध्यम से न्यूज पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। वो 2 करोड़ नौकरी तो ठीक है, अब वो कहाँ गई पता नहीं चला, लेकिन 60 लाख फिर से वादा किया है। वो 60 लाख नौकरियां वो कहाँ से देगी, किस सेक्टर से वो आएंगी, इसके बारे में स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक मेरे को भी नहीं लग पाई। जिन सेक्टर का उन्होंने जिक्र किया है वो सेक्टर कैसे वर्क करेंगे, कैसे वो स्थापित करेंगे, अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में 60 लाख नौकरियां बहुत कम है, जहां तक मैं आप और हम समझ पा रहे हैं। हमें जरूरत है नए इंडस्ट्रीज के बारे में, जैसे एमएसएमई सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर की तरफ उन्होंने बहुत कम बजट रखा है, 6,000 करोड़ का। जहां तक मैं सीए हूं और मेरा मानना है कि जो ऐसे एमएसएमई है जो एनपीए हो गए हैं या जो बहुत स्ट्रेस में चले गए थे, अभी तक वो एनपीए में चल रहे हैं, उनको लेके सरकार को एक नीति बनानी चाहिए थी कि वो कहीं ना कहीं उन एनपीए चले गए एमएसई को ऊपर लेकर आते। अगर उनको हम कैपिटल सब्सिडी या कैपिटल सपोर्ट के माध्यम से उन्हें खड़ा कर पाते तो अपने आप एक रोजगार क्रिएट हो जाता। जैसा कि आप और हम सर जानते हैं कि एमएसएमई ही एक ऐसे माध्यम है जो बहुत ज्यादा रोजगार देते हैं, यानी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको छोटे छोटे सूक्ष्म लघु उद्योगी रोजगार दे पाते। तो मेरा मानना था गवर्नमेंट को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन देने चाहिए थे, एमएसएमई को मुद्रा के माध्यम से लोन देने चाहिए, जिससे कि रोजगार ज्यादा स्थापित हो सके। भारत में 60 लाख नौकरियां मेरे हिसाब से सर बहुत कम है, आप क्या कहते हैं सर? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे भारत एक विशाल देश है जी और इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग हम 150 करोड़ पे पहुंच रहे हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर 60 लाख की जो नौकरियां हैं वो शायद कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि बिल्कुल सही, लगभग 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं और 50 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है। तो ये जी वे लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, ये वे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, ये वे लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। मतलब जी बड़ा आंकड़ा सरकार खुद अपने मुंह से बता रही है कि इतना बड़ा आंकड़ा है, मतलब इन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो 80 करोड़ लोग जब राशन ले रहे हैं, 50 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, और आप 60 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, यह जी आंकड़ा अपने आप में बताता है कि परिस्थिति कहां पर है और देश कहां चल रहा है। बस यही मैं आपके चैनल के माध्यम से खबर पहुंचाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट या कोई भी सरकार हो, जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी का मैंने बहुत पहले कभी सुना था कि
उनका कहना था कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, बल्कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्फ्यूजन किया जाए। अगर हम उसमें इन्फ्यूजन करेंगे तो ज्यादा रोजगार दे पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन कम से कम 10-12 लोगों को नौकरी दे पाता है, छोटे छोटे। तो हमें उस सरकार को उस एरिया पर बहुत फोकस करने की जरूरत थी, और वही रोजगार क्रिएटर भी है सर। ये बहुत सही कहा कि हाँ, सर आपने। आपके आपके चैनल ने बहुत अच्छी सराहनीय कदम लिया है। किसान, हालांकि इस बजट में किसानों पर ध्यान दिया गया है, अफोर्डेबल हाउस पर ध्यान दिया गया है कि 80 लाख वो बनाकर मकान देंगे, अफोर्डेबल हाउस देंगे। लेकिन आप जहां तक अगर हम थोड़ा क्रिटिकल बात करें इस बात को लेके, तो कितने सारे मकान ऑलरेडी खाली पड़े हुए हैं। अगर आप अपने आसपास देखें जाके, वही फिल नहीं हो पाए हैं, तो इतने सारे मकान बनाकर करेंगे क्या, मुझे नहीं मालूम इस मामले। लेकिन जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, अफोर्डेबल हाउस, हर घर में नल हो, हर घर हर व्यक्ति को घर मिले, ये बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन सरकार को एक आंकड़ा इकट्ठा ये भी करना चाहिए कि कितने मकान यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, और कितने मकान मतलब ऐसे वेकेंट पड़े हैं, उसके बारे में सरकार को रुचि लेना चाहिए। प्रॉपर्टी की जो आधार कार्ड होता है उसे लिंक करके पता लगाया जाना चाहिए कि कितने मकान अनयूजल पड़े हैं, कैसे, मतलब ये सब चीजों पर भी फोकस करने की जरूरत है सर। ये बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आपने कहा हर घर में जल होना हाँ जरूरी है और हर घर ठीक, पक्का होना जरूरी है, मतलब कम से कम सड़क और पानी तो उन तक पहुंचे जिससे वो शहर तक जुड़ सके, अपना जीवन यापन कर सके। ये बहुत तो हर सही, बजट में होता है, जब भी बजट पेश होता है पानी की बात तो होती है कि घर 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 जल में हर घर में जल पहुंचे, पानी पहुंचे, पाइपलाइन पहुंचे। परंतु तो ऐसा अब देखते हैं, आप देख रहे हैं कि कितना पहुंचा है और कितना नहीं पहुंचा है, ये सभी जानते हैं। और जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि हर बजट में आप तक पानी पहुंचाने की, सड़क पहुंचाने की, रोजगार पहुंचाने की, आपका घर छत जो है वो पक्का करने की बात की जाती है, और कितनी की जाती है ये आप स्वयं देख सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं। आपने आपने अगर देखा होगा सर, तो ये भी देखा होगा कि अगर पिछले 4-5 साल का आप आंकड़ा उठा लें, तो उस आंकड़े में अगर ये देखकर अगर हम अंदाजा लगाएं कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितनी रेलवे ने कितनी भर्ती निकाली, मेरे ख्याल से ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। रेलवे ने अभी तक कोई भर्ती निकाली नहीं, कोई पेपर नहीं हुए। अब 60 लाख आप इस साल देने का वादा कर रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। ये तो आपने कुछ देर पहले ही कहा था, ऊंट के मुंह में जीरा है भारत के लिए। तो आप अपने चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये सूचना पहुंचाने की कोशिश करें सर कि एमएसएमई सेक्टर को इन्फ्यूजन की ज्यादा जरूरत है सर। ऐसे एमएसएमई जो कि एनपीए हो गए हैं, जो स्ट्रेस में चले गए हैं, उनको उभारने की आवश्यकता है। और अगर हम उन्हें उभार पाए तो हम अपने आप में बहुत बड़ा रोजगार दे पाएंगे सर। मैं सीए हूँ और मैं हर सेक्टर से जुड़ा हूँ, कई क्लाइंट मुझसे जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे व्यापार जुड़े हुए हैं। उन सबकी समस्याएं हैं कि उन्हें प्रॉपर बिजली नहीं है, उनके पास सुविधाएं कमी है, टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो उनका मार्जिन कम हो रहा है। तो इस जबकि जीएसटी, जैसा कि आप जानते हैं सर, जीएसटी आया है हर देश में, या कहीं भी जहां भी जीएसटी आया, तो जीएसटी आने का रीजन ये था कैस्केडिंग इफेक्ट को गिराना, कैस्केडिंग इफेक्ट कम करना, प्राइजेस अपने आप में कम होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सब जीएसटी की विचारधारा थी। लेकिन हकीकत में अगर हम देखें तो जब से जीएसटी आया है, क्या वास्तव में हमारे रेट कम हुए, ये बड़ा प्रश्न है सर। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी मुकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से अब एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमने जो चर्चा की है राजपूत जी के साथ, मुकेश जी राजपूत जो सीए हैं और इस विषय को बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, हमारी जो चर्चा आपको कैसी लगी है, क्या आपको अच्छा लगता है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर लिखें, जिससे हमारे जो मेहमान हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, आपका उनकी विषय उनकी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में जाकर ये विषय जरूर लिखें और निरंतर अपने वीडियो को शेयर करते रहें। मैं जी एक आदेश। एक बात कहना चाहता हूं सर, इस बजट में जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो ये लगा है कि जो ग्रामीण इलाके के स्टूडेंट थे, जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं करना चाह रहे थे, उन्हें डीटीएच के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई है। सच में हाँ ये, हाँ, सच में बहुत काबिले तारीफ है इस बजट में। और मेरा मानना था कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, जहां पर की क्लासेस नहीं लगती हैं, या वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या रोड नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन वहां पर डीटीएच के माध्यम से
वो जरूर जुड़ जाएंगे और वो स्टूडेंट इस पढ़ाई का जरूर लाभ लेंगे। तो मैं इस बजट के लिए सबसे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और निरंतर ऐसे ही हम कई विषयों पर चर्चा करते हैं जिसपे समाज के और गरीब तबके के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें लोगों को आवश्यकता होती है एक सही मोटिवेशन की, तो हम आपको निरंतर इन्वाइट करेंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे हैं खबर भारत पर, मैं रूपेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। अपने कमेंट और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, धन्यवाद।